अब मैं उस शायर को बुलाने जा रहा हूँ, उस जमासाल शायर को बुलाने जा रहा हूँ जो यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर से हमारे दरमियान आकर पहुंचे हैं। वह है जनाब नासिर दिलरुबा, शहंशाह तरन्नुम के नाम से जानते हैं आप। सिर्फ उड़ीसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दौरा करते हैं, जलसों में मुशायरों में आप अपने कलाम पढ़ते हैं और आज वो इस तरह मसरूफ रहते हैं कि उनको यहाँ बुलाने के लिए हमें 2 महीना लग गया बरसों अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। मैं उनको सिर्फ एक शेर से दावत आवेदन देने जा रहा हूँ। लफ्ज लफ्ज आंसू है क्या कहूँ सुनाऊँ क्या, लफ्ज लफ्ज आंसू है, लफ्ज लफ्ज आंसू है क्या कहूँ सुनाऊँ क्या, जख्म दिल दिखाऊँ क्या, आपको रुलाऊँ क्या, जख्म दिल दिखाऊँ क्या, आपको रुलाऊँ क्या। अब ये उनपे है, वो हम हंसाते हैं या रुलाते हैं। मैं दावत सुखम दे रहा हूँ, नासिर दिलरुबा साहब आप माइक पर। तमाम मुसलमान दोस्त और अहबाब को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और हमारे तमाम हिंदू भाई और बहनें उनको मेरा नमस्कार, और मैं आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ, और खुसूसन आली जनाब इज्जत महाब इनायत अली इनायत साहब और असद निजामी साहब और अजीम बालेसरी साहब, आप सबको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। मैं तो इस लायक नहीं कि बड़ों के सामने कुछ कहने और पढ़ने की कोशिश कर सकूं और जसारत कर सकूं, मगर ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है जो अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ इस जगह पर कुछ सुनाने और पढ़ने का शर्फ हासिल किया, शर्फ बख्शा। आइए मैं बिना किसी ताकत और तमहीद के अपनी गुफ्तगू को तवील न करते हुए अपने वतन को सामने रखते हुए 4 मिसाल। खुदा वाले हुकूमत से कभी सौदा नहीं करते, खुदा वाले हुकूमत से कभी सौदा नहीं करते, खुदा वाले हुकूमत से कभी सौदा नहीं करते, और तिरंगे की बुलंदी को कभी नीचा नहीं करते, तिरंगे की बुलंदी को कभी नीचा नहीं करते। कटाई है हजारों पे बने दिल रुबाने, कटाई है हजारों पे बने फकत अपना, फकत अपना वतन है ये कभी दावा नहीं करते,
अपना वतन है ये, कभी दावा नहीं करते खुदा वाले हुकूमत से, कभी सोबा नहीं करते। चार मिसरे और पेश करता हूँ, कि गलत इल्जाम है हम पर वफादारी ही नहीं करते, कि गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। मैं मुकम्मल गजल आप सबके हवाले करता हूँ, बिल्कुल एक खूबसूरत सी गजल पेश करता हूँ। मतलब कभी तो सामने आओ, बहुत उदास हूँ मैं जी, कभी तो सामने आओ बहुत उदास हूँ मैं, कभी तो जलवा दिखाओ बहुत उदास हूँ मैं, कभी तो जलवा दिखाओ बहुत उदास हूँ मैं, खफा खफा क्यों रहने लगे हो तुम मुझसे, खफा खफा क्यों रहने लगे हो तुम मुझसे, न मेरे गम यूं बढ़ाओ बहुत उदास हूँ मैं, न मेरे गम यूं बढ़ाओ बहुत उदास हूँ मैं, ये दूर दूर से करते ये दूर दूर से करते हो क्यों इशारे तुम, कभी करीब तो आओ बहुत उदास हूँ मैं, कभी करीब तो आओ बहुत उदास हूँ मैं। और एक शेर, तुम्हारी बेरुखी करती है मुझतरब मुझको, मुझे न और सताओ क्यों बहुत उदास हूँ मैं, मुझे न और सताओ बहुत उदास हूँ मैं। और ये आखिरी शेर सुनिए, अंधेरी रात है
ये हिजर की बहुत भारी अंधेरी रात है, ये हिजर की बहुत भारी चराग बस जलाओ, बहुत उदास हूँ मैं, चराग बस जलाओ, बहुत उदास हूँ मैं जिंदगी के सफर में मेरा भी साथ निभाओ, बहुत उदास हूँ मैं, मेरा भी साथ निभाओ, बहुत उदास हूँ मैं। अब आखिरी शेर मक्ते की शेर। सुखन तुम्हारा भी होता है दिलरुबा अच्छा, सुखन तुम्हारा भी होता है दिलरुबा अच्छा, कोई गजल तो सुनाओ, बहुत उदास हूँ मैं, कोई गजल तो सुनाओ, बहुत उदास हूँ मैं, न मेरे गम यूं बढ़ाओ, बहुत उदास हूँ मैं। बुलंद आवाज है आपका, बुलंद आवाज है। और तो कुछ नहीं दे सकते आपको, इतना सम्मान दे सकते हैं, बस खड़े होकर तालियां बजा लें। आप उदास क्यों हो? हम सब दुआ करते हैं अल्लाह आपको खुश रखे।